खबर है यूपी से, जहां थाना प्रभारी ने 24 घंटे दिए अल्टीमेट अतिक्रमण हटाने के लिए। जी हां, खबर है यूपी के जिला बदायूं थाना उगहते अंतर्गत लगातार एक्सीडेंट को देखते हुए थाना प्रभारी ने आज अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। पटरी पर गरीब वर्ग का व्यक्ति दुकान खोके लगाकर बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, उस पालन पोषण में लगा दी थाना प्रभारी ने सेन। सुबह करीब 10 बजे थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह राणा समस्त स्टाफ के साथ फ्लैग मार्च किया और उसी आदेश पर पटरी पर दुकान खोखे के दुकानदारों को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर सब लोग खोखे दुकान हटा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार सुखवीर जानी, आलम जावेद, यूनिस अली, मोहम्मद यास सलीम कई दर्जन दुकानदारों से बात की, रो रो कर बयान कर रहे थे, कोरोना और लॉकडाउन में हालत खस्ता हो गई है, बच्चों का पालन पोषण पटरी पर कुछ पैसों का माल लाकर किया जा रहा है, दुकानों का किराया 6,000 महीने का मांगते हैं। देखिए बदायूं से अखिलेश सोलंकी की यह रिपोर्ट। चल रही है और ताऊ देखा रही मेरे एक मिनट, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। अपना लगे